कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के रूप में या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए चेलों के रूप में उनके पर अधिकारी मानकर हमारी जो संपूर्ण जो हमारी इच्छा है या संपूर्ण हमारी जो इच्छा शक्ति है उसे हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया और कहा कि आज से मेरा नहीं परन आपका ही इच्छा हो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि या परंतु आपका ही इच्छा मेरे जीवन में चले। इस तरह की बात जो जो प्रेरितों ने जो प्रेरितों के द्वारा शिक्षा ली गई लिए जो प्रेरितों के चेले हैं और उनके चेले और उनके चेले और आज तक कलीसिया का जो नींव बनता आया है जो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं मार्ग सत्य जीवन हूं, ना कोई डॉक्ट्रिन ना कोई व्यक्ति और ना कोई संस्था और ना कोई डिनोमिनेशन, परंतु हम कलीसिया इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आमीन आमीन। गलतियों की पत्री 1:6-10 तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार को और सुसमाचार के ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। ऐसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। आखिर में जो बात कही गई है मसीह का दास, स्लेव ऑफ क्राइस्ट, स्लेव अ बॉन्डेड स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये पूरी जो सुसमाचार का मुद्दा है, सुसमाचार का जो सारांश है वो एक बात में पौलुस प्रेरित उस बात को बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने ले आता है कि वो सुसमाचार सिंपल है, वो सुसमाचार पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, वो सुसमाचार लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, वो सुसमाचार राजनीतिक जो बदलाव होते हैं राजनीतिक बदलावों के को मद्देनजर रखते हुए उनके हिसाब से कहने वाली बातें नहीं है, या वो सुसमाचार मेरे पुरखों को या मेरे आगे जो चले हुए लोग हैं उनको खुश करने के लिए ना बोलता हूं मैं, या वो सुसमाचार मेरे कलीसिया के लोग जो सुनना चाहते हैं, जो उनके ये जो कान हैं उन कानों में बहुत मधुर सुनाई देता है उनको, उस तरह की बातों को बोलना सुसमाचार नहीं है। वो सुसमाचार नहीं जिससे लोग खुश होते हैं, वो सुसमाचार नहीं जिससे लोगों को लगता है कि मुझे फायदा हो रहा है, वो सुसमाचार नहीं जिससे लोगों को मैं प्रसन्न करता हूं, परंतु सुसमाचार वो है, बातें वो है, या मेरे जीवन का जो संपूर्ण संदेश है वो ये है कि मैं मसीह का दास बनो, मसीह का दास। I want you to take this evening with you. I want this particular verse that I am the slave of Jesus Christ. मैं मसीह का दास हूं, ये बात आप अपने घर ले जाएं और ये बात आपके जहन में बैठ जाए, ये बात आपके रग रग में दौड़ने लगे। आज से मैं चाहता हूं कि ये बात आपके DNA में बैठ जाए कि आई एम स्लेव फॉर जीसस क्राइस्ट, स्लेव दास, स्लेव दास। और इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। Would you all bow our heads and look to the Lord in prayer? प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको प्रभु जी आपको सराहते हैं, आपकी जो उपस्थिति है हमारे बीच में उसके लिए खुदावन आपके सामने हम खुदावन आत्मा में होकर साष्टांग दंडवत करते हैं।
और आपकी स्तुति और बढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं और आप ऐसे परमेश्वर हैं जिनके बातें, जिनकी कही गई बातें 2000 साल पुराने जरूर है, लेकिन आज भी ताजे होकर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमारे जीवन को बदलता है। वो वचन को जब हम हाथ में लेते हैं खुदावन, तो आप महिमान्वित होइए। वो वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवनों में बदलाव आप लाए। वो वचन जब हम पढ़ते हैं खुदावन, हमारे जीवनों को वो एकदम इंस्पायर करने पाए। आज के शाम खुदावन आप हमसे बातचीत कीजिए, हमारे सोच में बदलावट लाइए, हमारे रहन सहन में बदलावट लाइए। आज से जिस तरह से हम इस संसार को देखते हैं उसमें बदलावट लाइए, ताकि हम आपके सच्चे प्रतिनिधि, सच्चे दास, सच्चे स्लेव बन सके। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो भाइयों और बहनों, हम ये बात कर रहे हैं आज के शाम कि हमारा परमेश्वर या हमारा प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को हमारे लिए कहकर गए हैं, और उन बातों को चेलों ने सुना, उन बातों को चेलों ने अपने जीवन की विधि बना लिया, जीवन में उन बातों को ही लेकर चलने का प्रण लिया, और उन बातों को ही लेकर के चलने का नतीजा यह हुआ कि किसी का गर्दन कट गया, तो किसी को उल्टा सूली पर टांगा गया, तो किसी को लाठी होता है उसको बीच लठ होता है, जिसको जो मोटे मोटे बांस के बीच में बांध करके जब उसको काटते हैं तो पूरा छिल जाता है बदन, उस तरह से मारा गया। किसी को जलते हुए आग में फेंका गया, तो किसी को जलते हुए तेल में फेंका गया, उस तरह से, या किसी और को ऊपर से नीचे तक भाला नीचे छेदा गया और उसको मार दिया गया। इस तरह से हर एक चेले ने अपनी जान दी है, सिवाय यूहन्ना चेला, हर एक व्यक्ति को उस तरह की मृत्यु उन लोगों ने या जबरदस्ती मार दिया गया। लेकिन उन लोगों ने अपनी स्टैंड नहीं बदला, उन लोगों ने अपनी जो उन लोगों की जो सोच था वो नहीं बदला, और मरने का कारण यह है कि उन्होंने एक सुसमाचार का प्रचार किया, और वो सुसमाचार है कि यीशु मसीह राजा है। ये सुसमाचार शुरुआत से लेकर आज तक प्रचार करते ही आ रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, जब प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने ले आया गया, पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ा होता है और पिलातुस पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, क्या तू राजा है? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा कि तुमने कहा। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, जैसा कि तुमने कहा, यस आई एम किंग कहते हैं, हां जैसा कि तुमने कहा, परंतु मेरा राज इस दुनिया का नहीं है। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मेरा राज इस दुनिया का होता तो मेरे लोग उसके लिए बाहर लड़ते होते, लेकिन लड़ना उनका काम नहीं है, लड़ना मेरा काम है। और मेरी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, मेरी लड़ाई I am not fighting against the flesh and blood, परंतु मैं अपनी मांस और लहू को कुचलना चाहता हूं, ताकि तुम जिस पाप के अंदर, जिस राज्य में हो, पिलातुस तुम सोच रहे हो कि तुम राजा हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक राजा है, वो सीजर करके तुम सोच रहे हो, लेकिन उसके ऊपर भी एक राजा है जिसको कहते हैं कि इस दुनिया का राजा, इस दुनिया का, दुनिया के ऊपर अंधकार के शक्तियों के साथ जो तुम लोगों को चला रहा है, अंधकार के शक्तियों के साथ तुम्हारी सोच को बदल रहा है, अंधकार की शक्तियों के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो अदन की वाटिका में जिसने अपने राज्य को फैलाने के लिए परमेश्वर के राज्य में से इंसानों को भगाने तक जो उतर आया है, उसके राज्य में तुम हो, लेकिन तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन समय आएगा जब तुम रियलाइज करोगे कि मेरा राज आ चुका है। लेकिन यह मत सोचना कि मेरा राज तुम लोगों के राज के जैसा होगा, जहां पर मैं एक राजगद्दी में बैठूंगा, तुम आओगे और मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगे, और मैं अपने राजस्व को या मैं अपनी अथॉरिटी को, मैं अपनी जो शक्ति है या अधिकार है उसे तुम पर दंड लाते हुए दिखाऊंगा।
तुमको दबाते हुए दिखाऊंगा, तुम पर ताड़नाएं लाते हुए दिखाऊंगा, या तुम्हारे ऊपर अधिकार चलाने के कारण मैं राजा बनूंगा, किसी के किसी को कुचलने के कारण मैं राजा बनूंगा, ऐसा मेरा राज नहीं है। जो तुम प्रिंसिपल्स, जो तुम वैल्यूज, जो मूल्यों को यहां पर तुम फैला रहे हो, वो मूल्य मेरे नहीं है, वो मूल्य तुम्हारे बाप के हैं। वो बाप जिसने तुमको अदन की वाटिका से लेकर आज तक भरमाते हुए आ रहा है, अदन की वाटिका से लेकर आज तक तुम्हारे दिमाग के ऊपर संतुलन वो बैठा करके रखा है। लेकिन देयर विल बी ए डे, एक दिन आएगा जब तुम्हारी मन में परिवर्तन होगा, तुम्हारी जो राजा तुम जिसे मानते आ रहे हो आज तक, उस राजा को तुम ठुकराओगे और मुझे राजा कहकर बुलाओगे। यही सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह खुद अपने जीवन में दिए हैं। मरकुस रचित सुसमाचार एक अध्याय में और दो अध्याय में अगर आप देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद सुसमाचार सुनाते हैं। वो क्या सुसमाचार है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज तुम में है, परमेश्वर का राज आ चुका है, परमेश्वर के राज आपके हाथ के पास है। इट इज एट द हैंड, यू आर ऑलरेडी देयर। द किंगडम ऑफ गॉड इज राइट एट यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू, ऐसा कहकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि आजकल की मसीहत में परमेश्वर के राज्य का जो समाचार है वो बहुत कम सुनने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं लगता आपको कि बहुत ही कम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में सुनने को मिलता है? हमें कौन किस तरह की सुसमाचार सुनने को मिलता है? हमें सुनने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करता है। वेल, परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारी सुसमाचार का केंद्र क्या बन चुका है? चंगाई। कोई कहता है कि परमेश्वर तुमको धन देगा, कोई कहता है परमेश्वर तुम्हारी विवाह करा देगा, कोई कहता है तुम प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो पास हो जाओगे, तो कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास आओगे तो तुम्हें कार मिलेगा या कुछ और संपत्ति मिलेगी। इसको कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आओ ताकि तुम वृद्धि को देखो, ताकि तुम बढ़ोतरी को देखो, ताकि तुम्हारे जीवन में तुम फूलो फलो और है ना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले मेरे राज और मेरी धार्मिकता को खोजो, बाकी सब अपने आप मिलेंगे, बाकी सब झक मार के मिलेंगे। लेकिन आपको यह सोचना जरूरी है कि उनके ऊपर उनके पीछे दौड़ना सुसमाचार नहीं है, सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के पीछे दौड़ना है, परमेश्वर के राज्य के पीछे दौड़ना है। एक बार उत्पत्ति का किताब एक अध्याय की ओर जाएंगे। उत्पत्ति का किताब एक अध्याय, बहुत ही सरल बातें हैं जो हमें संडे स्कूल से लेकर हम सुन रहे हैं, उन्हीं बातों को देखेंगे, राइट। और आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं जो बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने कलीसिया जो आप हैं, आपने जो सिखाया है उन्हीं बातों को मैं बस दोहरा रहा हूं आपके सामने खड़े होकर के, राइट। आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग न्यू, दिस इज जस्ट व्हाट यू हैव टॉट मी एज ए चर्च। उत्पत्ति का किताब एक अध्याय, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दिया, 22वां आयत, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक, ऐसा करके एक के बाद उन्होंने हर एक को, हर एक जीवित जंतु को उन्होंने बनाया। 28 में आइए, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। इट्स अ फाइव फोल्ड ब्लेसिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक मैंडेट है, मैंडेट जहां पर आपके पास अधिकार भी होता है और मैंडेट जहां पर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आपके पास अधिकार भी है और आपके पास बाध्यता भी है, या आप उत्तरदायी हैं, आप यू आर अकाउंटेबल, आप उत्तरदायी हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका समाधान, उसका उत्तर देना पड़ेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर
आदम को बनाया, आदम के बाद आदम की आदम के जैसे ही उसके लिए सहायक रहने के लिए हवा को बनाया, आदम और हवा को दोनों को अदन की वाटिका में रखा, और अदन की वाटिका उसको दर्शाता है जब पृथ्वी बेडोल और कोई जहां पर पानी ही पानी है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई क्रम नहीं है, उस ऑर्डरलेस सोसाइटी में, उस ऑर्डरलेस सृष्टि में जहां पर कोई क्रम नहीं था, जहां पर कोई अनुशासन नहीं था, या जहां पर कोई चीज विधि के अनुसार नहीं था, वह जहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर ने अदन की वाटिका, एक वाटिका जहां पर सुंदर सुंदर चीजों को एक क्रम में, सुंदर सुंदर चीजों को एक व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, और उस व्यवस्थित जो अदन की वाटिका है उसके ऊपर अधिकारी या उत्तरदायी या जिसे कहते हैं स्टीवर्ड के रूप में, या गृह निर्वाहक जिसे कहते हैं, उसके रूप में आदम और हवा को रखा गया और उनको अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार है? फुलो फलो द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड फ्रॉम एडम एंड ईव इज टू एक्सटेंड जो क्रम उन्होंने, जो अनुशासन, जो क्रम और जो जिस तरह की मैनेजमेंट, जिस तरह की सिधाई, जिस तरह की हर एक फल, जिस तरह की झरने, जिस तरह की वाटरिंग, जिस तरह की काम करने की क्षमता, जिस तरह से परमेश्वर ने काम करने के लिए और उसकी रखवाली करने के लिए अदन की वाटिका में आदम को रखा, वही काम को, काम करने का मतलब क्या है? What do you mean by काम, working in अदन की वाटिका? बोले तो वाटिका में ऑलरेडी हर चीज है ना, और क्या काम करेगा? परमेश्वर ने जो काम किया है उसमें क्या वृद्धि हो सकती है? परमेश्वर की काम तो हमेशा अच्छा होता है, परमेश्वर के आमीन, परमेश्वर की काम तो परफेक्ट होता है, उसमें काम क्या करेगा? ये काम ये करेगा कि वो जो परफेक्ट काम अदन की वाटिका के रूप में उसके सामने एक नमूने के तौर पर दिख रही है, उस नमूने को बढ़ाना है, उस नमूने को आगे ले जाना है, पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर उस अनुशासन को लाना है, पूरे पृथ्वी के ऊपर उस अधिकार को लाना है, पूरे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने जो नमूना उस अदन की वाटिका में दी है उस तरह की सिंचाई करनी है, उस तरह की फल लाना है, उस तरह से फूलना है, फलना है और वृद्धि को लाना है और इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार को लेना है। दिस इज द मैंडेट दैट गॉड गेव। परमेश्वर ने इस तरह की मैंडेट आदम और हवा को दिया। आदम और हवा को जो मैंडेट मिली है, जो आज्ञा और उस आज्ञा के साथ अधिकार, उस अधिकार के साथ में उत्तरदायी होने का, रिस्पॉन्सिबल होने का जो मैंडेट मिला है, उसे आदम और हवा ने लिया। आदम और हवा ने लिया और इस राज्य के ऊपर अधिकारी किसको बनाया? पहले आदम को बनाया। यानी कि आदम और हवा जो प्रभु, जो परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के जैसे, यानी कि जिस तरह से परमेश्वर काम करता है ये काम करे, जिस तरह से परमेश्वर बांटने वाला है ये बांटे, जिस तरह से परमेश्वर देने वाला है ये दे, जिस तरह से इतना ऊंचा परमेश्वर होने के बावजूद जो सबसे ऊंची जगह पर विराजमान, जैसे हमने अभी गाना गाया, विराजमान होने के बावजूद हर शाम को या हर ठंड में या हर ठंडी समय में नीचे उतर कर किससे बात करता था? आदम और हवा से बात करता था। क्यों बात करता था? What does it show? वो क्या बताता है? अधिकार क्या होता है? प्रभु ने पहले ही उनको समझाया, अधिकार तुम्हारे ऊपर तांडव करना नहीं है। अधिकार, जैसे ही अधिकारी हम बोलते हैं, जैसे अभी एक बुलेट में आए थे पुलिस साहब, उनको वो याद आते हैं हमको। बाहर जाते ही अगर हम अनुशासित इसलिए होते हैं क्योंकि ऊपर डंडा पकड़ के कोई खड़ा हुआ है, यानी कि अधिकारी करके उसको कहते हैं हम, जो हमें हमारे ऊपर दंड लाता है, जो हमें अनुशासित करता है, जो हमें लूटता है कभी कभी, जो हमारे हकों को छीनता है कभी कभी, जिसके सामने हम कुछ भी नहीं है करके वो महसूस कराता है आपको। मेरे को याद है बचपन में मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, उसके बाद अच्छा हुआ, वो बात अलग है, मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो जैसे ही अधिकारी बोलते हो तो मुझे मेरे मैथमेटिक्स का टीचर ही याद आता है।
वो बुलाता है पहले और बोलता है चलो 12वीं वो बताओ, टेबल बताओ। मैं वीक था पहले से ही, मेरे को रटना आता नहीं था, मैं 12:05 तक बोलता था, उसके बाद गया और हाथ ऐसा करो और ऊपर डंडे खाओ और इतना खाओ इतना खाओ कि कभी भी मैथमेटिक्स के ऊपर आपको कभी भी इच्छा ही नहीं होगी, कभी नहीं होती। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं कि वो अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस तरह की अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो जोर आजमा कर, जोर या दबाव आजमा कर आपसे काम कराए, आपको प्रताड़ित करे, आपके ऊपर बोझ डाले, ऐसे अधिकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर दूसरी तरह की अधिकार को दिखाते हैं और वो दूसरी तरह की अधिकार ये है कि वो सर्व परे सर्वोच्च परमेश्वर होने के बावजूद जो वो प्रकाश में रहता है जिसके सामने जा भी नहीं सकते, मरने से पहले उस प्रकाश को हम आंख खोलकर देख भी नहीं सकते, उस प्रकाश को छोड़कर, उस प्रकाश को अलग रखकर आदम और हवा के पास हर शाम को आता है और हर शाम को उनके साथ बैठकर शायद पूछता होगा, अच्छा तुमने आज क्या किया, चलो बताओ कैसे फूला, कैसे फला, कैसे वृद्धि हुई तुम्हारी, कैसी कैसे इस अदन की वाटिका में जो क्रम है उसे किस तरह से तुमने फैलाया, किस तरह की सिंचाई की है, किस तरह की वाटरिंग की है तूने, शायद छोटी छोटी चीजों से छोटी छोटी चीजों को बात करता होगा। आई डोंट नो, लिखी तो गई नहीं है ये बातें बाइबल में, लेकिन बस मैं गेस कर रहा हूं। और क्या बात करेगा, मेरे ख्याल से उनको जो काम दिया गया है उसका ही लेखा जोखा करेगा। काम यह दिया गया है कि तुम सिंचाई करो और रक्षा करो या रखवाली करो। एंड दैट वॉज द स्टीवर्डशिप गिवन टू एडम एंड ईव बाय गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर के ओर से, खुद परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर की अधिकार के अंदर रहकर परमेश्वर की पूरे संसार के ऊपर अधिकारी बनकर रहना था। और एक सांप आता है या सर्प आता है और छोटा सा बिस्किट फेंकता है, क्या बिस्किट फेंकता है, अरे उसके अधिकार के अंदर क्यों, तुम खुद बन सकते हो ऐसा, तुम खुद हो भाई, उनके उनके अंदर रह करके करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कई बार मसीही जीवन में यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज आज के तक, आज तक भी हर मनुष्य के सामने यही चैलेंज है, परमेश्वर और उसके अधिकार के अंदर रहना, परमेश्वर और उसके अधिकार जो आपके साथ आ करके उसकी महिमा छोड़ करके आपके साथ बैठ करके बात करता है, आपको अपने जोर और जबरदस्ती से नहीं, आपके ऊपर दबाव डालकर नहीं, लेकिन प्रेम से आपसे दोस्ती करना चाहता है, प्रेम के साथ आपके साथ संबंध बनाना चाहता है। ऐसे परमेश्वर हमें पसंद नहीं आता, ऐसा परमेश्वर हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि अधिकार बोलते ही हमें क्या याद आता है, मैथमेटिक्स का टीचर याद आता है, नहीं तो पुलिस याद आता है, नहीं तो नरेंद्र मोदी साहब याद आता है। लेकिन परमेश्वर जो अधिकार अपने जीवन में या परमेश्वर जिस तरह की अधिकार हमारे ऊपर चलाते हैं वो इन लीडर्स में नहीं है, इन लीडर्स में दिखता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो उसके अधिकार को, उसकी क्षमता को, उसकी शक्ति को, हर एक उसकी एनर्जी को कहां पर ले आता है, प्रेम के पास ले आता है और प्रेम के उस झरने को हमारे पास ले आकर के कहता है वुड यू लाइक टू डू इट, क्या तुम चुन पाओगे मेरे चेले बनने का, वुड यू लाइक टू चूज टू बी माई सर्वेंट, तुम मेरे सेवक बनने का तुम क्या, वुड यू लाइक टू डू इट, क्या तुम्हें पसंद है। सेवक नाम सुनते ही हम घबराते हैं, सेवक, इसीलिए मैंने उस बात को अंडरलाइन करने के लिए कहा है कि आई एम द स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, खास करके इस 21st सेंचुरी में, खास करके इस पोस्ट मॉडर्न, एक्चुअली पोस्ट मिलेनियल जनरेशन में स्लेव एक ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है। स्लेव क्या है, स्लेव बिकॉज वी हैव रीडिफाइंड स्लेवरी इन सच वे, हमने दासत्व को ऐसा समझा है कि दासत्व का मतलब होता है प्रताड़ित होना, दासत्व का मतलब होता है दलित होना, दासत्व का मतलब होता है वो जुआ अपने सर के ऊपर लेकर के चलना जिसको लेकर के हम दब जाते हो,
ये दासत्व है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अलग बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और उसके बाद वाला वचन क्या कहता है? वो तो बहुत याद रहता है, ये तो याद ही नहीं रहता। क्यों? एक बार खोल करके पढ़िए, किसी को याद हो तो बता दीजिए। यस, बोलिए, पढ़िए पढ़िए, उसके नीचे 28 के नीचे क्या क्या है पढ़िए। और हाँ 29 पढ़िए, और मेरा जुआ क्या है? सहज है। जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए। दिस इज द गॉस्पल माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स, यही सुसमाचार है। कई बार हम वी मिस द पॉइंट, कई बार हम इस पॉइंट को मिस करते हैं। परमेश्वर जो स्वतंत्रता देना चाहता है, परमेश्वर जो आजादी देना चाहता है, परमेश्वर जो जो बोझ से दबे हुए लोगों को बुला करके कहता है कि मैं तुम्हें आराम, या मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा। आराम को हम अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में आराम कुछ और है। और वो आराम कैसे देते हैं? पढ़िए, अब पढ़िए, किसी ने निकाला है क्या? हाँ पढ़िए। ये सब परिश्रम करने वालों, हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हाँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वो कहां से देते हैं आराम? जुए को उठाने के बाद देते हैं। नो, हम नहीं उठाते ये सब, फिर ये, अरे वही तो बुलावट है आपका। द गॉस्पल, द एसेंस ऑफ गॉस्पल इज टू कम अंडर जीसस क्राइस्ट, जस्ट द वे इट वॉज इन ईडन। अदन की वाटिका में जिस तरह से परमेश्वर के हाथ के नीचे हम थे, अदन की वाटिका में जिस तरह से सारे संसार के ऊपर अधिकारी होकर के परमेश्वर की प्रतिनिधि, परमेश्वर के प्रातिनिध्य को हम चलाते थे, उस अदन की वाटिका में हर एक पक्षी के ऊपर, हर एक पानी के, पानी में रहते हुए, पानी में रहता हुआ जंतु के ऊपर, हर एक रेंगता हुआ जंतु के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर हमें अधिकार था, हमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उन सब चीजों को सींचना था और उन सब चीजों की रखवाली हमें करना था। लेकिन हमने वो राज्य किसके हाथ में सौंप दिया? शैतान के हाथ में सौंप दिया। कैसे सौंप दिया? एक बिस्किट खा के। क्या है वो बिस्किट? अरे परमेश्वर कौन है भाई? तुम भी खुद परमेश्वर तो हो, तुम खुद भी तो परमेश्वर बन सकते हो, खाली ये 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 फल खा लो। और वो फल में कोई केमिकल नहीं था, एक बात मैं बताऊं आपको, ऐसा कोई मतलब मिला करके ऐसा इंजेक्शन करके रखा होगा, खाते ही कुछ ऐसे सीम निकल के, ऐसा कुछ निकल के ग्रीन होके, कुछ नहीं है फल में, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आज्ञा में है, आज्ञा में है। आज्ञा क्या था? मत खाना। प्रतिक्रिया क्या थी? खा के देखूंगा, खा के देखूंगा। खा के देखा तो क्या हुआ? अपने आप को ले जाकर के शैतान के हाथ में दे दिया, शैतान के राज्य में प्रवेश हो गए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका वाटिका से उनको बाहर निकाला और कहा यह अब तुम्हारा नया स्थान है, अब तुम यहां पर करो जो कर सकते हो। मेरी अनुग्रह काफी है तुम्हारे लिए आज भी, मैं अनुग्रह करता रहूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा एक प्रणाली है, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। और वो प्लान जब तक होगा, वो प्लान भी मैं तुम्हारे जरिए ही करूंगा। क्वेश्चन पेपर मुझे पहले ही मालूम है, शैतान ने सोचा कि वो क्वेश्चन पेपर बना रहा है, लेकिन बनाया तो मैं हूं क्वेश्चन पेपर, और शैतान को भी इस्तेमाल किया मैंने। वो सोच रहा है वो मेरे प्रणाली का को कुछ बिगाड़ रहा है, बेवकूफ है वो। असली साजिश तो मेरी है, असली काम तो मेरा है भाई। वो तो एक जरिया है, वो तो एक पॉन है, मैंने ऐसे हिलाया उसको खाली, और उसने मेरी ही इच्छा को किया। लेकिन फर्क ये है, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर जाओगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें वापस कैसे लाना है। हालेलुया, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे राज्य की स्थापना मुझे कैसे करना है। हालेलुया,
मैं ये भी जानता हूं कि मैं सीजर के ऊपर, मैं ये भी जानता हूं कि मैं फरो के ऊपर, मैं ये भी जानता हूं कि इस अंधकार में, जो अंधकार की the powers and principalities of the air, एफिसियों की पत्री छठवां अध्याय, एफिसियों की पत्री कोई पढ़ दीजिए, एफिसियों की पत्री छठवां अध्याय में लिखा हुआ है, वो वर्ड्स मुझे याद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पढ़ने को कहा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। इसलिए सत्य को अपनी कमर में, यानी कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं, है ना, बारहवीं आयत देखो, क्योंकि हम हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और हाँ और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। The powers and principalities of the air, those powers and principalities of the air that form the ideologies against God, परमेश्वर के अगेंस्ट में जो सोच, जो प्रणालिका बनाती है। नागपुर में बैठ करके कोई हेडक्वार्टर बना के बनाता है, कोई दिल्ली में बैठ करके बना रहा है, कोई मुंबई में बैठ करके बना रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता तू जो कर रहा है उससे ऊपर मैं हूं। आमेन। मेरी जो कलीसिया है, मेरी जो जो झुंड है, मेरी जो मंडली है, मैं चाहता हूं कि इन परीक्षाओं के ऊपर गुजरे, इन परीक्षाओं के अंतर्गत हो करके गुजरे, लेकिन अंत में युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। युद्ध यहोवा का है और जीतने वाला यहोवा है। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रणालिका में उसने आपको और मुझे फिर से वही विरासत, फिर से वही उत्तरदायित्व, फिर से वही अधिकार जो आदम ने खोया था वापस दे रहा है। कैसे? राज्य की स्थापना करके। कैसे? प्रभु यीशु मसीह जो राज्य की स्थापना के बारे में बात किया था, उस राज्य को फैलाने के कारण, उस राज्य के बारे में बात करने के कारण। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम्हारा सर दुख रहा है तो झंडू बम लगा दूंगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आकर के झंडू बम लगाएंगे, तुम्हारे सर में जो पेड़ वो चला जाएगा, ऐसी सुसमाचार नहीं। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, ऐसे सुसमाचार, वही दासत्व जो आदम ने खोया था, उसको लगा कि वो दासत्व है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा जो जुआ है उसे उठाकर चलो, तब विश्राम मिलेगा, और मेरा जुआ कैसा है? सहज है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। वेल, इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन वे, तुम्हारी धार्मिकता के आधार पर अगर तुम चलना चाहोगे, तुम्हारी धार्मिकता के आधार पर उस जुए को लेकर के चलना चाहोगे, वो नहीं कर पाओगे। It is the most difficult thing on the face of the earth to imitate Christ. However, परंतु अगर मैं एक तरफ हूं उसी जुए में, जैसे दो दो बैलों को बांधते हैं, एक ही जुआ है, इस तरफ एक बैल है, उस तरफ एक और बैल है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि I bow my head, I take that on me, and on the other side I would invite you. Would you like to come? मैं एक तरफ हूं और मेरे ऊपर वो जुआ है, दूसरी तरफ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए स्थान खाली है, जगह खाली है। Would you like to fill that place this evening? Would you like to fill that place this evening, my brother, my sister? वो जगह खाली है, और आप जैसे सेवकों के लिए, आप जैसे शागिर्दों के लिए, आप जैसे दासों के लिए खाली है, जो सचमुच में दास बनकर रहना चाहता हो। बहुत दुख की बात है, आजकल की मसीहत को देखते हैं तो दास कम और पॉलिटिशियन ज्यादा मिलते हैं, दास कम और राज करने वाले ज्यादा मिलते हैं, दास कम और दासत्व में लोगों को ले जाने वाले ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए गलतियों की पत्री में पौलुस कहता है कि हे गलतियों, तुम लोगों को किसने भरमाया? How can you just go away from this faith? How can you just go away from this grace? जो प्रभु यीशु मसीह के ओर से मिला है, उस अनुग्रह से, उस अनुग्रह के सुसमाचार से कैसे तुम बाहर जा सकते हो? For me, मेरे लिए तो यही है कि वो कहता है कि कोई और सुसमाचार नहीं, अगर कोई और सुसमाचार कोई बताता है तो वो शापित है, और यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं
मसीह का दास ना होता। मेरे दास होते बहुत सारे लोग, मैं मसीह का दास नहीं, मेरे दास होते। हमारे तरफ ऐसा होता है कि कोई पादरी जो बहुत बड़ा है, जो बहुत ही शक्तिशाली जिसे हम कहते हैं, है ना, जिसके ऐसा करने से हजार लोग गिरते हैं, जिसको ऐसा करने से हजार लोग गिरते हैं, बहुत शक्तिशाली आजकल के पादरी लोग हैं, वो आते हैं तो बाउंसर आते हैं उनके साथ में, इधर दस लोग बाउंसर, इधर दस लोग बाउंसर। प्रभु यीशु मसीह कभी भी बाउंसर नहीं रखे, पता नहीं इनको क्यों बाउंसर की जरूरत पड़ रही है। और परमेश्वर के राज का सुसमाचार फैला रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाउ कैन दिस बी द किंगडम ऑफ गॉड? और ये जो परमेश्वर के दास अपने आप को कहते हैं, उनके हजारों की संख्या में दास होते हैं, हजारों की संख्या में दास होते हैं। भैया ने यूं कहा तो पूरे लोग यूं करें, भैया ने यूं कहा तो सभी लोग यूं हो गए, भैया ने गुलटी गुलाटी लिए वो भी गुलाटी लिए, भैया ने पलटी मारी तो बोली भी पलटी मारे। व्हाट ए रिचेस्ट टाइम्स वी आर लिविंग इन, किस तरह की दरिद्रता में हम रह रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ किंगडम ऑफ गॉड आर वी प्रीचिंग, आर वी टीचिंग? परमेश्वर का राज उसके जुए को लेकर के चलने का है। परमेश्वर का राज बहुत सरल और बहुत सिंपल है। एक बार कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, आज सुबह भाई रविंदर ने भी इसी बात को लेकर के बात की थी, मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। आई एम फियरफुल, ईश्वरीय धुन, चिंता कर रहा हूं तुम लोगों की, ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। दूसरी आयत, 11वां अध्याय, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। These are powerful words, aren't they? बहुत ही शक्तिशाली बातें हैं ये शर्मनाक बात है एक्चुअली में देखा जाए। वो कह रहा है कि मैंने तो एक ही पुरुष के साथ तुम्हारा क्या किया, मंगनी की है। भाई मैंने मंगनी तुमको एक पुरुष के साथ किया है, लेकिन तुम किस किस के पास जा रहे हो? He is actually putting shame on us. शर्म आना चाहिए तुमको करके वो कह रहा है। वो कह रहा है मैं डर रहा हूं, मैं तुमको एक अच्छी कन्या के रूप में, बिल्कुल कोई भी जिसमें कोई दाग ना हो, कोई छल ना हो, कोई दाग इतना से भी छोटा सा भी दाग ना हो, ऐसा तुमको मुस्ताब करके, ऐसा बहुत सुंदर बना करके प्रभु यीशु मसीह को सौंपना चाहता था, क्योंकि उसके साथ मैंने मंगनी की है तुम्हारी और सगाई हो चुकी है, तुम्हारी शादी के लिए मैं तुमको तैयार कर रहा हूं और तुम मुंह मारते फिरे जा रहे हो। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, वही कह रहा है यहां पर। और वो कहता है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। किसलिए डरता हूं? जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन में उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होने चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो। देयर आर टू थिंग्स दैट ही इज अफ्रेड ऑफ, दो चीज है जो बहुत डर रहा है। कौन डर रहा है? खुद पौलुस प्रेरित डर रहा है, जिसने इस कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को 2 साल रह करके वहां की जो सिनेगोग में तर्क वितर्क के साथ लोगों को जीता है, परमेश्वर के वचन को दिखाकर यही मसीह है जो मृतकों में से जी उठा है करके साबित करके लोगों को चुना है, लोगों को जीता है और कलीसिया का स्थापना की है। और वो पौलुस अब डर रहा है। क्यों डर रहा है? जिस तरह से वहां पर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को, या हव्वा को जिस तरह से कौन ने बहकाया, वैसे ही तुमको भी सीधाई से और पवित्रता से। डोंट यू थिंक दीज आर द टू थिंग्स दैट वी लैक इन दिस चर्च टुडे? आजकल की कलीसिया में ये दोनों चीज गायब है। सीधाई, इट्स ए सिंपल फेथ, बहुत सीधी है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा राजा है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना भाई? वुड यू लाइक टू बी हिज स्लेव?
इससे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेट करोगे भाई? वो तुम्हारे पापों के लिए मरा है, तुम उसके कारण संसार के लिए मरे हो, बस बात खत्म। लेकिन वी वॉन्ट टू मेक लॉट्स ऑफ यू डेप्थ इन इट, हाइट इन इट, और इसको ऐसा रोमांचक बना करके लोगों को बताते हैं कि तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है, 21 दिन का उपवास करो, 40 दिन का उपवास करो, सफेद कपड़े पहनना है, ऊपर ये नहीं करना, ये नहीं, ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये इट्स ऑल, वी गो बैक टू द धार्मिक काम, वी गो बैक टू द सेम ओल्ड धर्मशास्त्र, जिसमें से छुड़ा करके पॉलुस ने ले आकर के आया और कहा कि बाय ग्रेस एंड थ्रू फेथ, सीधी सीधी विश्वास, सीधी सीधी परमेश्वर की ओर से आया हुआ अनुग्रह, और उस अनुग्रह के कारण तुमको भीख में मिला है उद्धार, तुमको मुफ्त में उद्धार मिला है, यू डिडंट अर्न इट, तुमने मेहनत करके उसको कमाया नहीं है। सिंपल सी चीज है ये, समझने के लिए हम डरते हैं, समझने के लिए हमें पसंद नहीं आता, अरे ऐसा कैसा, मुझे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर इट, मुझे पत्थर तोड़ने हैं, मुझे मुझे क्या बोलते हैं, घुटनों पर चलना है, वो पहाड़ के ऊपर, वी मेक रिलीजन आउट ऑफ इट। हम मसीह की बातों में से क्या बना चुके हैं? धर्म बना चुके हैं, एंड वी बिल्ड आवर ओन वॉल्स एंड वी कॉल इट डिनोमिनेशंस, हम अपने खुद के डिनोमिनेशन बना ले और खुद के राज्य खड़ा कर लिए, और एक एक राज्य का एक एक अधिनेता है जिसके चारों ओर बॉन्सर रहते हैं। व्हाट अ शेम ऑन अस, एब्सोल्युटली व्हाट अ शेम ऑन अस। सीधाई भी नहीं, पवित्रता भी नहीं, जहां सीधाई खत्म होते मेरे भाइयों, जहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होता हुआ उद्धार को हम प्रचार नहीं करते मेरे भाइयों, वहां पर पवित्रता गायब होती है, वहां पर रुकती है तो केवल स्वयं नीति, वहां पर रुकती है तो केवल खुद की धार्मिकता, वहां पर रुकती है तो केवल धर्म की बातें, वहां पर रुकती है तो केवल रूल के किताब, और उस रूल की किताब को लेकर के ना हम खाना बना सकते हैं, ना सब्जी बना सकते हैं, सुबह सुबह उठ करके टंग क्लीनर के जैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगर उस धर्म के मुखौटे को लेकर के अगर हम चल रहे हैं जिसमें अंदर खोखला है, बाहर नरेंद्र मोदी दिख रहा है, बीवेयर माय ब्रदर्स, बीवेयर, डरता है पॉलस, ऐसी मसीहत में तो नहीं जी रहे भाई तुम, व्हाट काइंड ऑफ क्रिश्चियनिटी आर यू फॉलोइंग। सुसमाचार बहुत सीधी बात है, सुसमाचार पवित्रता का सुसमाचार है, जिसमें यह कहता है परमेश्वर कि मेरा जुआ सीधा है, मेरा जुआ सरल है, जस्ट कम अंडर इट एंड से दैट आई एम योर स्लेव, कहो कि मैं तुम्हारा दास हूं। और वो दासत्व क्या कहता है वो आगे 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 चलकर देखेंगे, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने उस चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था। तीन बातें हैं यहां पर, कोई दूसरा सुसमाचार, कोई दूसरा आत्मा, और कोई दूसरा प्रभु यीशु मसीह, एंड वी हैव करप्टेड ऑल द थ्री सक्सेसफुली। हमने बहुत उत्साह के साथ इन तीनों को भी करप्ट कर चुके हैं। हम जो यीशु मसीह प्रचार करते हैं वो यीशु मसीह राजा नहीं है, हम जो यीशु मसीह प्रचार करते हैं वो तेल मालिश वाला यीशु मसीह है, हम जो यीशु मसीह प्रचार करते हैं वो अपने मन गणित एक कहानी है, अपन जो यीशु मसीह को लेकर के आए हैं, कभी कभी एक पॉलिटिशियन है तो किसी और को रिवोल्यूशनरी जीसस क्राइस्ट चाहिए, तो किसी और को हीलर जीसस क्राइस्ट चाहिए, तो किसी और को केवल छोटा डमी गॉड चाहिए, किसी को ऐसा बेल बजाया तो वहां से भाग के दौड़ के आ जाएगा पवित्र आत्मा और बोलिए क्या करूं आपके लिए, वो बोलेगा मेरा पांव दबा। इस टाइप की पवित्र आत्मा को हम प्रचार करने लगे हैं, लेकिन ये तीनों बातों में मेरे भाई लोग और बहन लोग सतर्क रहना है।
वो पवित्र आत्मा जो चेलों ने नहीं प्रचार किया हो, वो यीशु मसीह जिसके बारे में पवित्र आत्मा चेलों ने न बताया हो, और वो सुसमाचार जो चेलों ने नहीं दिया हो, इन तीनों को अगर हम पकड़ के चल रहे हैं तो हाउ कैन वी एस्टैब्लिश गॉड्स किंगडम, कैसे परमेश्वर के राज्य को हम फैला सकते हैं। पवित्र आत्मा when the spirit of God leads us, when the spirit of God fills us, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें उत्तेजित करते हैं, we begin to speak in tongues, we begin to prophesy, we begin to do things that world cannot do, and we don't stop there. We also go with power, we also go with wisdom, we also go with administration, we also go into every sphere of this society. पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं, जब हमें उत्तेजित करते हैं, केवल अन्य भाषा बोल करके, केवल प्रवचन या केवल भविष्यवाणी करके हम रुक नहीं जाते, लेकिन हम पालकों के साथ जो संस्थाओं को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं, जो संस्कृतियों को बदलते हैं, उन लोगों के साथ काम करते हैं, उन लोगों को उथल पुथल करते हैं। इसीलिए प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है 12 लोग थे चले, 12 मात्र इंक्लूडिंग पॉल, और उन लोगों को देखकर कहते हैं कि ये लोग आए हैं जो संसार को उथल पुथल कर रहे हैं। That's the call that we have, my brothers, my sisters. It's not just about, you know, starting a church. एक कलीसिया, एक चार दीवार के अंदर हम बैठ करके गाना गा करके घर चले गए, ये सुसमाचार है। अगर आपको लगता है तो हम परमेश्वर को बहुत संकुचित और एक डब्बे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि मेरा राज्य फैले, और उसका राज्य, आमीन, और उसका राज्य न्याय का है, उसका राज्य और क्या है, धार्मिकता है, और उसका राज्य क्या है, रोमियों की पत्री में लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ गॉड इज व्हाट, राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट, है ना, धार्मिकता है, शांति है, और पवित्र आत्मा में आनंद, आमीन। ये तीन बातें हैं, और उसका राज्य, मीका की किताब 6 अध्याय और उसके 8 वचन के अनुसार, उसका राज, मैंने क्या मांगा भाई तुम लोगों से, एक बार पढ़िए, मैंने क्या मांगा तुम लोगों से, तुम लोगों को उल्टी मारने बोला, कल पलट करके घूमने बोला, क्या बोला मैं, 3 बातें कहा मैंने, सिंपल सी बातें हैं, बहुत सीधी सी बातें हैं, क्यों समझ में नहीं आता तुम लोगों को करके, वो नबी ऐसी बात कर रहा है। देखिए 6 अध्याय 6 से पढ़िए, मीका का किताब 6 अध्याय 6 से पढ़िए, मैं खत्म कर दूंगा यहां पर। हाँ, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, हाँ, क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े, हाँ, लेकर उसके सम्मुख आऊं, हाँ, क्या यहोवा हजारों मेरों से या तेल की, हाँ, आपको नदियों से प्रसन्न होगा, हाँ, क्या मैं अपने अपराधों को प्रायश्चित में अपने पैलौटे को, हाँ, या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं, हाँ, ये आंसर देखिए, अब आंसर देखिए परमेश्वर का, भाई मैं क्या करके तुमको खुश करूं, परमेश्वर मैं नदी बहाऊं तुमको तेल के सामने, वो बोले क्या करूंगा मैं तेल से, मैं क्या करूं तेल से, बताओ तुम तेल ला करके दे रहे हो मेरे को, ठीक है मैं क्या करूं, भेड़ बकरियां ला करके दे रहे हो, क्या करूंगा मैं, खाऊंगा क्या करूंगा मैं, बहुत सिंपल चीजें चाहिए मुझे, बताइए, पढ़िए भैया। हे मनुष्य, हां, वो तुझे बता चुका है, हां, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता, वो बस ये 3 बातें चाहता है, बोलिए पढ़िए, तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया, दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड माय ब्रदर्स, ये परमेश्वर का राज्य है, ये परमेश्वर के राज्य के मूल वैल्यूज हैं, ये परमेश्वर के राज्य में जो मूल्य होने चाहिए वो है ये, एंड वी इनको हम कब का छोड़ चुके हैं, हमको तो खाली क्या चाहिए, ऐसा बेल मारा तो पवित्र आत्मा आ जाएगा, शादी हो जाएगी,
ऐसा बेल मारा तो पवित्र आत्मा हो जाएगा, कुछ और कर देगा। ऐसा बेल मारा तो प्रभु यीशु मसीह भी आ जाएंगे और तुमको जो चाहिए वो दे देंगे। दे 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 ये दे दे वो दे दे, ये सब खत्म हो गया और कुछ नहीं, वो भी दे दे वो भी दे, उसका भी दे दे इसका, पड़ोस वाले का भी दे दे पीछे वाले का, यही हमारी सुसमाचार है। शेम ऑन अस, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बहुत सरल है, बहुत सीधा है। वो चाहता है कि तुम उसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें दे करके वापस में कुछ पाना पाना, वो उसका उद्देश्य नहीं है आपको बनाने का। आपको बनाने का उद्देश्य है जो अदन की वाटिका में हमने अधिकार खोया था, जो अदन की वाटिका में हमने वो उत्तरदायित्व खोया था, जो अदन की वाटिका में क्रम खोया था, जो अदन की वाटिका में हमने ये व्यवस्था खोया था या व्यवस्थित रूप से चीजों को रखना खोया था, वो वापस लेना है। वो वापस तब लेते हैं जब हम हमारे जीवन में यीशु मसीह को राजा बनाते हैं। आमीन। अब मैं शैतान का नहीं, यीशु मेरा राजा है कहते हैं, तब ये पॉसिबल है। परमेश्वर के सामने नम्र होकर तब जीते हैं जब हम यीशु को अपना राजा बनाते हैं। करुणा से हम तब प्रेम रखते हैं जब हम यीशु को अपना राजा बनाते हैं। समझ रहे ना आप मेरी बात? दास उसे कहते हैं, एक छोटा सा ये बता करके मैं खत्म करता हूं। इब्रानियों में या यहूदी लोगों में एक प्रथा हुआ करता था, ये व्यवस्था व्यवस्था में लिखा हुआ है, जब भी कोई व्यक्ति एक यजमान के अंदर अंतर्गत काम करता है और उस यजमान को कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, मुझे थोड़ा पैसा दो, और वो यजमान पैसे दे करके उसको खरीदता है, वो जो जो खरीदता है वो उसका अथॉरिटी है या उस वो उसके अधिकार के नीचे ये दास आ जाता है। और कुछ साल के बाद धर्मशास्त्र के अनुसार उसे छोड़ देना पड़ता है, उसको 10 ईयर्स के बाद उसको उससे काम नहीं ले सकते आप, आपको छोड़ना पड़ता है। आपने छोड़ दिया अपने दास को और वो दास कहता है कि हे यजमान मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मेरे लिए सब कुछ तुम ही हो, अब मेरे दोस्त तुम हो, सब कुछ तुम हो, मेरी शादी यहाँ पर हुई है, मेरे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, सब चीज़ तो मैं तुम्हारा हो गया हूँ भाई, अब मैं तुम्हारे साथ ही काम करूँगा करके जब वो दास कहता है ना, तो वो क्या करता है, सारे बुजुर्ग लोगों को बुलाता है और सबके सामने उसका जो ये कान है उसको कान के अंदर छेद करता है और एक इतना लंबा सा एक निशानी बना देता है और कहता है आज से ये मेरा, आज से ये मेरा। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैंने अपनी कानों को खोद रखा है, उसका मतलब वही है, कानों को खोदने का मतलब है कि आई हैव बिकम योर स्लेव, एक दास बन चुका हूं तुम्हारा मैं। और हर कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करके नहीं पुकारना, वो दास ही पुकारना, जो दास है वही अपने यजमान को प्रभु करके पुकारता है, हर कोई नहीं पुकारता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत सारे आते हैं प्रभु प्रभु मैंने तुम्हारे नाम में ये कर दिया वो कर दिया फलाना काम किया, वो कहते मैं जानता तक नहीं भाई तुमको, क्योंकि मैंने तुम्हारे कान में किया ही नहीं है क्योंकि तुम दास बने ही नहीं हो। यू हैव नेवर बिकम माय स्लेव, यू हैव नेवर बिकम माय स्लेव, तुम मेरे दास कभी थे ही नहीं, तुमने कौन सा बड़ा बड़ा काम किया हो मेरे को क्या मालूम, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। आई डोंट नो यू। सो माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स, भाई और बहनों, आज के शाम में आपको आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, एक चुनौती रखना चाहता हूं। आपको जो चाहिए वो देने वाला परमेश्वर अगर आप चाहते हैं तो वो बाहर मार्केट में बहुत सारे हैं, गली में एक है, आप जिसको चाहिए उसको ले लीजिए। लेकिन ये परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके दास बने, ये परमेश्वर बस यही चाहता है कि तुम मेरा दास बनो। और लेकिन मेरा जुआ जो है वो बहुत सरल है, सहज है,
एक तरफ तुम्हारे लिए दास बनकर आया हूँ, मैं अपने ऊपर का जो कमीज है उसे छोड़ता हूँ, अपनी जो महिमा है उसे छोड़ता हूँ, तुम्हारे पास आता हूँ और एक तौलिया लेकर के अपने कमर पर कस लेता हूँ, हाथ में एक बेसिन लेकर के उसमें पानी भर लेता हूँ और तेरे पास आके कहता हूँ जूता खोल दे भाई, पांव धो लेता हूँ। ये मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार जमाने का तरीका जो है वो तुम्हारे पांव धोने से शुरू होता है। तुम जो दास हो तुम्हारे भी दास बनने के लिए मैं तैयार हूं, ये मेरा अधिकार जमाने का तरीका है। Would you like to be my slave? क्या तुम मेरा दास बन सकते हो? हम सर झुकाएंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। मेरे भाई और बहन, आज की शाम बहुत सरल शब्दों में, बहुत सीधी तरह से हमारे सामने सुसमाचार फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह ले आया है। वो सुसमाचार जो हम जानते हैं, वो सुसमाचार जिसे हम मानते हैं, वो सुसमाचार जो हमारे दिल में बहुत पहले से है। हो सकता है हम में से कुछ लोग बहुत सालों से मसीही हैं, हो सकता है हम में से कुछ लोग कुछ दिन पहले मसीही बने, हो सकता है हम में से कुछ लोग कलीसिया की सेवकाई भी कर रहे हो, कलीसिया के अंदर सेवकाई कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपकी सेवकाई, आपका सुसमाचार और आपका जो जीवन है वो उसके अनुयायी, उसके चेले, उसके शागिर्द और उसके दास के जैसे हो। उसका दास का मतलब दूसरों को दास बनाने वाला नहीं, परंतु उसके जैसा कमीज छोड़कर, तौलिया बांधकर लोगों की सेवा में लग जाए, अपने भेड़ों की सेवा में लग जाए, अपने भेड़ों की पांव धो सके, अपने भेड़ों की रक्षा कर सके, अपने भेड़ों को सींच सके और बढ़ा सके। और वो मैंडेट जो अदन की वाटिका में मिला था कि फूलो फूलो फैल जाओ पृथ्वी में और उसको वश में लो, टू हैव टू रिटेन दैट अथॉरिटी दैट गॉड गेव अस। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था सेवा करने की, हुक्म जमाने की नहीं, सेवा करने की, जो अधिकार प्रभु विश्वासी ने जिस तरह से करके दिखाया वो अधिकार आपको देना चाहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते हैं और जो सेवकाई हम आजकल, जिसे प्रभु जी हमारे हुक्म जमाने को सेवकाई कहते हैं, उस दौर से गुजर कर, उस दौर से हट कर सचमुच में जो सेवकाई है, सचमुच में जो सेवकाई जो हमारे शरीरों को, हमारी इच्छाओं को बलि की वेदी पर चढ़ाकर प्रभु एक जीता जागता बलिदान के रूप में आपके लिए हम समर्पित कर सके, प्रभु जी वो हियाओ, प्रभु जी वो फैशन हमें दीजिए जो पहले दिन जब हमने आपको राजा के समान ग्रहण किया था, वो ही आओ, वो फैशन हमें हो, उस तरह की जीवन हमें से हर एक व्यक्ति को आप दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए।